नवजीवन अकादमी नुनुड़ी पाथरडी धनबाद, यहाँ 9th, 10th, 11th, 12th झारखंड बोर्ड, NIOS, CBSE बोर्ड आदि आर्ट्स कॉमर्स एवं साइंस तीनों स्ट्रीम की कक्षाएं प्रदान की जाती है। यहाँ ग्रेजुएशन की क्लासेस के तहत BBMKU धनबाद के पाठ्यक्रम के अनुरूप BCOM, BA एंड BSc के कोर एवं जनरल विषय भी पढ़ाए जाते हैं। CTET, JTET, UGC NET, रेलवे, बैंकिंग, SSC आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी क्लासेस होती है। स्पोकन इंग्लिश की विशेष कक्षाएं चलती है। इसके अलावा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम एवं मोटिवेशन क्लासेस भी कराया जाता है। सभी कक्षाएं सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा ली जाती है। हमारा संपर्क सूत्र है 9031126668 और 7979096305। धनबाद रेल मंडल के कतरास स्टेशन में LP एक्सप्रेस में चेन पुलिंग करने के कारण RPF के हत्थे चढ़ गए। दोनों युवकों को RPF ने हिरासत में लिया। कतरास स्टेशन से LAP एक्सप्रेस धनबाद स्टेशन की ओर जा रही थी। इसी दौरान LAP एक्सप्रेस में दो युवक चेन पुलिंग कर दिए, जिसके बाद ट्रेन रुक गया, जिसे RPF द्वारा देखा गया, जिसके बाद दो युवकों को RPF ने धर दबोचा। दोनों युवक चेन पुलिंग करने के बाद कतरास स्टेशन परिसर पर उतर चुके थे। इसी बीच RPF के विशेष दल ने दोनों को पकड़ लिया। कोरोना काल को लेकर पूर्व में LAP एक्सप्रेस का ठहराव कतरास स्टेशन पर रद्द कर दिया गया था। लगातार यह सूचना मिल रही थी कि यहाँ यात्री चेन पुलिंग कर उतर रहे हैं। फिलहाल दोनों को अग्रिम कार्रवाई के लिए RPF की टीम धनबाद ले गई है। वहीं RPF अधिकारी ने बताया कि दो युवक LAP एक्सप्रेस में चेन पुलिंग कर उतरा था, जिसे हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए दोनों युवकों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला है LAP से जो धनबाद ट्रेन आ रही थी उसी में चेन पुलिंग करके उतरे हैं, उसी को पकड़े हैं हम लोग और ले जा रहे हैं। तो पर जो विधि सम्मत कार्रवाई होगा वो करेंगे। कितने लोग हैं अभी फिलहाल? तो दो लोग हैं, दो लोग को ही अति करेंगे, दो लोग पर केस करेंगे।